हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत करता हूँ जेड एन इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास जो प्रेस्टीज इंडक्शन है वो डेड कंडीशन में है। देखिए आप, और सीरीज बोर्ड है और इसको लाइन देने के बाद देखिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है और चालू नहीं है। ठीक है, तो कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है आप लोगों को बताएंगे। आप लोग मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे इंडक्शन मेरे जो चैनल है चैनल पर ऑलरेडी 3-4 डेड इंडक्शन के ऊपर वीडियो है। ठीक है, तो और मैंने फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ डेड इंडक्शन के ऊपर। कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा आप लोगों को। जो जो नया मैकेनिक इंडक्शन का काम नया सीख रही है, इसको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो आइए इसको खोल के देखते हैं इसमें एक्चुअली फॉल्ट क्या है। फ्रेंड्स मैंने इसको ओपन कर लिया, देखिए। और जो पीसीबी है, पीसीबी का कंडीशन वो भी आपको चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको कहाँ से शुरुआत करना है चेक करने के लिए, देखिए मैंने आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको मीटर को बर्जर रेंज पे रखना है। बर्जर रेंज पे रखने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फ्यूज़ है, फ्यूज़ को चेक करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक फ्यूज़ है, देखिए फ्यूज़ पूरा ओपन बता रहा है। अगर फ्यूज़ ओपन है तो फ्यूज़ ओपन क्यों होता है, देखिए। अगर आपका आईजीबीटी फ्यूज़ के बारे में आप लोगों को अभी बताऊंगा कि फ्यूज़ एसी फ्यूज़ क्यों ख़राब होता है। अगर आपका आईजीबीटी शॉर्टिंग होगा या यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, अगर डायोड शॉर्टिंग होगा तो आपका 90% आपका फ्यूज़ ओपन होगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, किसी कारण अगर आपके घर पे हाई वोल्टेज आती है तो भी आपका एसी फ्यूज़ ओपन होगा या ख़राब होगा। ठीक है, और अगर बारिश के मौसम पे अगर लाइटिंग आ जाती है या बाज आ जाती है, ठीक है, तो भी आपका ये बल्ब जो फ्यूज़ है फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अभी बताते हैं आईजीबीटी शॉर्टिंग है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आईजीबीटी का जो ड्रेन पिन है, ड्रेन पिन पे मैंने मीटर का इमीटर को मेरे मीटर का ब्लैक प्रॉप को रखा। और देखिए इमीटर पे फ्रेंड्स, देखिए शॉर्टिंग बता रही है। और गेट पिन पे भी देखिए शॉर्टिंग है, तो वो ख़राब क्यों है, आईजीबीटी ख़राब क्यों होती है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए नया इंडक्शन है और हो गया आईजीबीटी, तो आईजीबीटी जो ख़राब होता है वो आपका वो भी आप लोगों को बताते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहला जो रीज़न है आपका आईजीबीटी ख़राब होने का, वो एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को बताते हैं। सिंपल जो तरीका होता है आप लोगों को समझाने का, वही आप लोगों को बताएंगे। फर्स्ट टाइम आपको कैपेसिटर को चेक करना है। ठीक है, और दूसरा अगर आईजीबीटी खराब होता है तो जितना भी नमिया है, अगर आपका इंडक्शन का पीसीबी में आ जाती है नमिया या धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी आता है तो भी आपका इंडक्शन का जो आईजीबीटी है वो ख़राब होगा। और देखिए तीसरा रीज़न है, अगर कोई कंपोनेंट शॉर्टिंग है या पीडब्ल्यूएम सेक्शन में किसी कारण शॉर्टिंग आ रही है तो भी आपका आईजीबीटी खराब हो सकता है। और चौथा आपका, अगर जो सेंसर होता है आईजीबीटी के नीचे और कोयल का नीचे, कोयल का टॉप सेंसर, वो अगर वो शॉर्टिंग होगा या लीकेज वगैरह होगा तो भी आपका आईजीबीटी ख़राब होता है। लेकिन सेंसर और टॉप सेंसर की वजह से कम ही खराब होता है आपका आईजीबीटी। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े जो यूट्यूबर चैनल है वो आपको बताता है कि सेंसर की वजह से भी खराब होता है, लेकिन सेंसर को लगाया है कंपनी ने प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अगर किसी कारण फैन काम नहीं कर रही है या अगर आपका ग्लास प्लेट ओवर हीट हुआ है या आपका आईजीबीटी ओवर हीट हुआ है या कोयल ओवर हीट हुआ है तो इसको प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है, क्योंकि अगर वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं लगाएंगे तो ओवर हीट होकर आपका आईजीबीटी खराब हो सकता है इसलिए। ठीक है, और जो भी आईजीबीटी लगाएंगे फ्रेंड्स, जो भी आप आईजीबीटी लगाएंगे तो आप ओरिजिनल आईजीबीटी लगाना, या मार्केट का आईजीबीटी लगाएंगे तो आपको अच्छा क्वालिटी का आईजीबीटी लगाना है। ठीक है, तो फिर से आईजीबीटी खराब नहीं होगा।
तो फ्रेंड्स अभी जो IGBT है, IGBT को ओपन करके आप लोगों को नया IGBT लगा के देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, और एक बात बोलना भूल गया मैंने, देखिए इस इंडक्शन जब भी मैंने खोला था तो इससे दो तीन कॉकरोच निकला, तो कॉकरोच की वजह से भी आपका इंडक्शन का जो IGBT है, IGBT खराब होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब कॉकरोच इस इंडक्शन में रहता है तो कॉकरोच की वजह से आपका इंडक्शन जब रनिंग कंडीशन में रहती है तो क्या होता है, देखिए जब यहाँ पे कॉकरोच आ जाती है, जब स्विचिंग के द्वारा अगर यहाँ पे देखिए गेट गेट पिन और ड्रेन पिन के बीच जब आ जाएगी ऐसे कॉकरोच, तो आपका IGBT तुरंत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और कॉकरोच से जो नामिया निकलती है वो भी बहुत ही खतरनाक नामिया है, कॉकरोच से जो नामिया निकलते हैं अगर यहाँ पे आ जाती है तो भी आपका IGBT खराब होगा, ठीक है। तो आइए अभी इसको IGBT को निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं। मैंने जो लेग है लेग को कट कर देता हूँ, फ्रेंड्स देखिए इसका जो नंबर है देखिए N1600, ठीक है। तो इसके बदले में देखिए मेरे पास जो मार्केट का IGBT है, देखिए फ्रेंड्स के जेब का है और वो नंबर है 25N120, देखिए इसको लगाएंगे और देखिए वो ओरिजिनल होता है कि जेब का जो यहाँ पे देखिए राउंड टाइप बना हुआ है, जो काट का निशान है दोनों देखिए काट का निशान पे राउंड टाइप बना हुआ है, इसको लगा सकते हो आप लोग। तो आइए इसको क्लीन करके इसका जो वोल्टेज है वोल्टेज के देख के आपको इसको लगा के दिखाएंगे। फ्रेंड्स देखिए मैंने IGBT को यहाँ पर देखिए इंस्टॉल कर लिया, देखिए हीटसिंक पे पेस्ट लगा के, तो अभी इसको लाइन दे के इसका जो गेट का जो वोल्टेज है वोल्टेज को देखते हैं। फ्रेंड्स इससे पहले मैं जो यहाँ पे जो फ्यूज़ ओपन था इसको एक जम्पर वगैरह लगा लेता हूँ। फ्रेंड्स मैंने जम्पर वगैरह लगा लिया, उसके बाद इसका गेट का वोल्टेज को देख के IGBT को लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इसका लाइन आ गया और मेरी मीटर को मैंने डिस रेंज पे रखा, देखिए और डिस रेंज पे रखने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एमीटर पे रखा है, एमीटर के बाद रखने के बाद देखिए कॉइल के इनपुट पे, देखिए फ्रेंड्स कॉइल के इनपुट पे 326 और कॉइल का आउटपुट पे देखिए फ्रेंड्स सेम वोल्टेज है। और गेट का वोल्टेज देखिए फ्रेंड्स गेट का वोल्ट 0 वोल्ट है, तो अभी IGBT को लगा सकते हैं यहाँ पर। एक्स्ट्रा लेग को कट कर देता हूँ,
पेंस मैंने सोल्डरिंग कर लिया। तो इसके बाद इसको जैक वगैरह सभी को लगा के आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको लगा लिया। अब इसको देखिए पहले सीरीज में लाने दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स वो चालू हो गया। फ्रेंड्स देखिए वो चालू है। तो अभी बर्तन रख के आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखिए मेटल को चेंज कर रही है। देखिए तो अभी इसको डायरेक्ट करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स वो गर्म होने लगा है और प्रॉपर काम भी कर रही है। देखिए तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है भी, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। तो आने वाले दिन और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा दूसरे वीडियो के साथ।